नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल RRG पामिस्ट्री शो में। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे दुर्घटना के संकेत की रेखा की और दुर्घटना कैसे होगी इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की हस्तरेखा से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हथेली में कहीं पे भी अगर क्रॉस दिखती है, इसका फल जो है बुरा और अच्छा दोनों होती है। तो इसके बारे में अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ध्यान में रखनी चाहिए ये वाली क्षेत्र जो है बृहस्पति का क्षेत्र है, और अगर ये क्षेत्र में अगर क्रॉस कुछ इस तरह की दिख जाए तो समझ लेनी चाहिए इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति का फल काफ़ी अच्छा फल मिलता है इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति को, और काफ़ी शुभ होता है बृहस्पति के क्षेत्र में क्रॉस। और दूसरा दोस्तों, सेकंड ये वाली शनि का क्षेत्र है, और अगर इस शनि के क्षेत्र में अगर आपको क्रॉस दिख जाए तो ये काफ़ी दुखद होता है दोस्तों। इस तरह की शनि के क्षेत्र में अगर क्रॉस दिख रही है तो समझ लेनी चाहिए इनका जो मृत्यु है दुर्घटना में हो जाएगी, किसी भी दुर्घटना में हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखनी चाहिए ये वाली जो क्षेत्र है मंगल का क्षेत्र है, और दोस्तों ये वाली क्षेत्र भी मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र हथेली में दो होती है दोस्तों, इस दोनों में से किसी एक मंगल के क्षेत्र में अगर क्रॉस इस तरह की दिख जाए तो समझ लेनी चाहिए इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति का मृत्यु जो है किसी युद्ध भूमि पे या युद्ध भूमि में किसी तरह की युद्ध में या लड़ाई झगड़े में या किसी तरह की झंझट में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, ये वाली क्षेत्र जो है सूर्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर इस तरह की क्रॉस दिख रही है तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति का मृत्यु जो है विश्वासघात की वजह से या किसी के साथ विश्वासघात के होने की वजह से इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, ये वाली क्षेत्र जो है बुध ग्रह का क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की क्रॉस दिख जाए तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि इनका जो मृत्यु है किसी वाहन की किसी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट होगी और उसमें इनका मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, ये वाली हथेली में जो क्षेत्र है ये क्षेत्र चंद्रमा की क्षेत्र होती है, और अगर इस क्षेत्र में अगर इस तरह की क्रॉस दिख रही है तो समझ लेनी चाहिए इस तरह के क्रॉस वाले व्यक्ति का जो मृत्यु है वह किसी पानी की वजह से या पानी में डूबने की वजह से या फिर किसी तालाब वगैरह में या कहीं पे भी पानी की वजह से इस तरह की क्रॉस वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, ये वाली क्षेत्र जो है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच वाली जो ये क्षेत्र है, इसमें अगर क्रॉस दिख रही है तो दोस्तों ये ध्यान में रखनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट को देती है और काफ़ी अच्छा होता है इस तरह की क्रॉस वाल क्रॉस। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखनी चाहिए ये मस्तिष्क रेखा है, अगर ये क्रॉस मस्तिष्क रेखा पर कुछ इस तरह की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मस्तिष्क रेखा में कहीं पे भी अगर इस तरह की क्रॉस दिख रही है दोस्तों, तो ध्यान में रखनी चाहिए इस तरह की मस्तिष्क रेखा पे क्रॉस वाला व्यक्ति अपने ज़िंदगी में दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, और पागल होने की वजह से इनका मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की जानकारी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।